तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोगों ने हमारी वीडियो पे कमेंट किया था और मैंने बोला था कि जो भी कमेंट मुझे सबसे अच्छे लगेंगे मैं उनको अपनी वीडियो में शामिल करूंगा। तो आज की इस वीडियो में आपके वीडियो पे जो कमेंट किए थे ना आपने, उन्हीं को लेके हम आ चुके हैं और मेरे साथ है आरती मैडम। तो एक एक करके ये क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे। तो आरती जी, पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। पहला क्वेश्चन सर है प्रद्या व्लॉग से कि ये इन्होंने शॉप ओपन किया है हैदराबाद में और इनकी जो शॉप पड़ती है वो थोड़ा मार्केट से आउटसाइड पड़ती है, तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे हम फुटफॉल कैसे क्रिएट करें, आप थोड़ा बताएं इन्हें। देखिए जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान मार्केट से हटके है, मार्केट से थोड़ा दूर है और वहाँ पे आपके कस्टमर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपको इंडिफरेंट काम करना पड़ेगा, औरों से हटके जो लोग कर रहे हैं वैसे काम नहीं करना। अगर जो लोग कर रहे हैं वो भी आप भी वही करेंगे तो आपके पास काम कैसे बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, आप मार्केटिंग इतने अच्छे से करिए, इन डिफरेंट तरीके से करिए। इंटरनेट से मार्केटिंग कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टा वगैरह बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, उनमें रील वगैरह डाल सकते हैं क्या आप उस पर कुछ रीले डाल दो, पोस्ट डाल सकते हो आप। क्या फेसबुक का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फेसबुक पे आप स्टोरीज वगैरह लगा के कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के उन लोगों को जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो 5-6 किलोमीटर के एरिया में लोग पड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी दुकान के बारे में बता सकते हैं, तो वो आपकी दुकान पे विजिट करेंगे और इससे आपकी दुकान पे वहां पे फुटफॉल क्रिएट हो जाएगा। ये मैटर ही नहीं करता। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग डरते हैं इस चीज से। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी दुकान ऐसी थी कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारी दुकान बिल्कुल मार्केट से बिल्कुल हटके थी और अंदर होती थी एक कॉम्प्लेक्स में, वहां पे किसी को पता भी नहीं था हमारी दुकान के बारे में। फिर भी हमने धीरे धीरे वहां पे अच्छा काम किया, धीरे धीरे हमने काम को बढ़ाया और एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान और आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, आपके सामने और वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बताइए मैडम जी। सेकंड क्वेश्चन इनका ये ऐसा कि जो लोग सालों से दुकान चला रहे हैं उनके कस्टमरों को अपनी ओर कैसे खींचे। जी जी, देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं आपके, उनके कस्टमर आपके पास आए, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको कोई वजह देनी पड़ेगी। देखिए, मैं मान लीजिए रॉयल फैशन से कपड़े लेता था, ठीक है ना, तो रॉयल फैशन से मैं कपड़े ले रहा हूँ, मेरे को उनकी सर्विस अच्छी लगती है, उनके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, उनके रेट अच्छे लगते हैं, मैं उनके पास जाता था, ठीक है। अब वहां पे एक चाहत फैशन खुल जाता है नया, तो वो चाहत फैशन में मैं क्यों जाऊं। चाहत फैशन ने कोई स्कीम चलाई होगी, या वो उससे रॉयल फैशन से अच्छे रेट दे रहा होगा, या फिर उनके पास कुछ अच्छे स्कीम होंगे, कोई डिस्काउंट होंगे, या उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी उनसे। आपको कहने का मतलब है इनडिफरेंट करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर से अपने बिजनेस को। इनडिफरेंट मतलब कैसे कर सकते हैं, आप अच्छे रेट दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, आप वो प्रोडक्ट लेके आइए जो उन कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तब भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं वहां पे। जी, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि रवि चौहान ने आपसे क्वेश्चन कर रखा है कि जिनके पास इतने पैसे नहीं है वो 1 लाख में अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। बिल्कुल, देखिए रवि जी, हमने ना बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, इस वीडियो आप हमारे सीरीज देखेंगे ना, आप अगर हमारे चैनल पे रवि जी अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए रवि जी, आप हमारी वीडियो को देखेंगे ना, हमने एक दो कमेंट नहीं है, हमारे लगातार बहुत सारे वीडियो पे कमेंट मिलेंगे और बहुत सारे वीडियो हमने इसी टॉपिक पे बनाए हुए हैं। जो आप कह रहे हैं कि देखिए, हमने 60,000-50,000 रुपए भी अगर आप गारमेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। अगर आप 50,000-1,00,000 रुपए लगा के बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपको कुछ पर्टिकुलर आइटमें ही रखनी है और उन आइटमों में वैरायटी रखिएगा, जैसे कि पैंट शर्ट हो गया, ईयर लो टी शर्ट, ज्यादा आइटम आप 1 लाख रुपए में नहीं रख सकते। जब जैसे व्यापार बढ़ता रहेगा आपका, तो वैसे वैसे आप वैरायटीज बढ़ाते रहिए और आपका व्यापार बढ़ता रहेगा, ठीक है ना दोस्त। थर्ड क्वेश्चन मेरा है अनिल गुजराती जी ने क्वेश्चन किया आपसे कि किड्स गारमेंट शुरू कर रहा हूँ तो जानकारी दीजिए। अच्छा जी अनिल, देखिए सबसे पहले तो अगर आप गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले तो आप गुजरात से, और गुजरात तो मैंने जॉब भी किया हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुजरात, तो थैंक यू आप हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए एक बात कह देता हूँ, देखिए अगर आप किड्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, किड्स में देखिए आपको समझना पड़ेगा साइज, किड्स में समझना पड़ेगा आपको डिमांड को। देखिए मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि देखिए किड्स में ना बहुत ही जबरदस्त चीज है, किड्स का ऐसा रहता है कि कपड़ा ना एक तो रुकता नहीं कभी भी, थोड़े दिन के बाद क्या होता है स्टॉक नया पुराना हो जाता है, पर बिकता है, पर किड्स में डेड स्टॉक मेंस के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों में क्या होता है सर्दी आ गई, बरसातें शुरू होगी या आपके गर्मियां आ जाती हैं, तो वो स्टॉक आपको रखना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा पैसा आपका ज्यादा लगेगा मेंस के मुकाबले, क्योंकि किड्स में स्टॉक रुकेगा आपका,
ठीक है ना, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दूसरा बात, आपको इस बात को ध्यान में देना पड़ेगा कि जो आपके किड्स के साइज होते हैं, आपको साइज की एक प्रॉपर नॉलेज लेनी है। मैंने एक किड्स के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ये आई बटन पे आप देख रहे होंगे, ये आपको लिंक शो हो गया होगा। आप इस वीडियो को देख के पूरा साइज वगैरह की नॉलेज ले सकते हैं कि किड्स में क्या क्या साइज होते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आलोक पांडे जी ने आपसे कर रखा है कि भाई 50K में स्टार्टअप कैसे करें। देखिए आलोक जी, हमने इसके ऊपर कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखिए 50K में बिजनेस शुरू करना है तो हो सकता है, पर लेकिन अगर आप सोच रहे कंप्लीट गारमेंट बिजनेस शुरू कर दे तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। पर आपको मैंने बताया कि 50,000 में अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, तो आपको कुछ एक पर्टिकुलर ही चीजें रखनी हुई है अपनी दुकान पे, जैसे कि आप पैंट शर्ट रख सकते हैं या लोअर टी शर्ट ही रख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ता रहेगा, आप उस तरीके से वैरायटी बढ़ाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बरवाड़ा से कर रखा है रोहन ने, कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन बिजनेस 5 लाख में कैसे स्टार्ट करें। देखिए 5 लाख में तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। नॉलेज का क्या क्या रहता है, देखिए आप अगर काम शुरू करते हैं ना, देखिए आपको आजकल इंटरनेट पे इतनी नॉलेज पड़ी हुई है। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे जो इंटरनेट पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनकी वीडियो देख के कुछ नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज वो ही लेनी है देखिए जो आपके मन को लगे, कि बंदा बता रहा है जो बिल्कुल जेन्युइन बात है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद ना किया हुआ है और वो ऐसे लगे हुए हैं बताने, ठीक है ना। जिन्होंने किया ही नहीं है वो आपको क्या बता सकते हैं। जो आप नॉलेज उनसे लीजिए जिन्होंने कर रखा है और वो प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीजें करके आप कर सकते हो। और 5 लाख में दोस्तों इतना जबरदस्त काम हो सकता है ना, कंप्लीट वैरायटी बना सकते हैं आप 5 लाख में। जी हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि सर चंद्रा गर्सेन ने कर रखा है कमेंट कि अंडरवेयर कितने बिकते हैं, शर्ट कितने बिकते हैं, पैंट कितने बिकते हैं। देखिए जो अंडरगारमेंट्स का सिस्टम रहता है, देखिए अंडरगारमेंट्स जो हमारी दुकान में बिकते ही बिकते हैं। अगर मैं अपनी दुकान की बात करूं तो हमारा 10-15% जो हमारा टर्नओवर रहता है वो अंडरगारमेंट्स का ही रहता है। और जो पैंट शर्ट रहते हैं ये हमारी रेगुलर आइटम रहती है, ये सदाबहार बिकते हैं। ये आज भी बिकेगा, गर्मी में भी बिकेगा, सर्दी में बिकेगा, और ये बिकता ही बिकता है, ठीक है ना। ये डेड स्टॉक होता ही नहीं है इसमें, ये सदाबहार आइटम रेगुलर चलती है, नया पुराना चला रहता है इसमें। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेद अली का कि ब्रो आपका शॉप कहाँ है और मेरी शॉप ओपन करनी है, तो आप थोड़ा जानकारी दीजिए उनको माल खरीदने में। ये जो हमारी शॉप पड़ती है हरियाणा में पड़ती है, और डिस्ट्रिक्ट पंचकुला पड़ता है, और मेन रोड ईशन नगर हमारी दुकान पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर आप गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देखिए आप कर सकते हैं, बस आपको एक अच्छी नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज आपको कैसे मिलेगी, आप इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक से ट्रेंड फैशन का पता लगाइए, आप साइज वगैरह का पता लगाइए कौन से साइज होते हैं, और आपको आपका बजट क्या है और कितनी कितनी वैरायटी आप बजट में बना सकते हैं। क्योंकि बजट डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है किसी का बजट 4 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का 20 लाख है, तो हर बंदे का अलग अलग बजट होता है। आपका बजट क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए आपको, फिर आपको देखना है कि आपने करना क्या है, ठीक है ना। अभी कहाँ है, कहाँ जाना है और कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी आपके पास बजट कितना है, कितने पैसे आपने खर्चने हैं और किस किस क्वांटिटी में कितना कितना माल आप खरीदेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। और साइज वगैरह की प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही आपको सीजन का पता होना चाहिए, किस किस सीजन में कितनी कितनी क्वांटिटी में माल लेना है, ये चीजें नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक कमेंट और था हर्ष सर आपकी इस वीडियो पे कि अगर आप 20% मार्जिन लेते हो तो 20% मार्जिन में आपने शॉप का रेंट भी देना है, बंदों की सैलरी भी देनी है, और आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है। बिल्कुल, देखिए ये मैंने ही एक अपनी वीडियो पे बताया था कि 20% अगर आपको स्टार्टअप बिजनेस करते हैं तो 20-15% मार्जिन, 10% मार्जिन लीजिए और काम आप शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा तो आप इसमें 20-30% तक मार्जिन ले सकते हैं। पर एक भाई ने कहा था कि कमेंट, ये भाई कह रहे हैं कि इसमें अगर मान लो 20% हम मार्जिन लेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, क्योंकि 20-10% मार्जिन तो किराना वाले ले रहे होते हैं, है ना। तो देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको क्वांटिटी सेल करनी है। क्वांटिटी मतलब कि जैसे कि मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि लोग क्या कर रही हैं, वो कैसे करते हैं, पर मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर आप 20% मार्जिन लेंगे ना तो जो माल है ना आपका एक भी पीस नहीं बचेगा, ऐसे बिकेगा फट 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 नया आएगा, ठीक है ना। तो माल को आपको बेचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बिक जाएगा माल। देखिए पता क्या होता है, सेल नहीं करनी आपको ज़्यादा, है ना,
आप क्वांटिटी पे काम कर रहे हो, आपको सेल नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी सेल। इतना जबरदस्त मार्जिन की सेटिंग है 20% पे अगर आप काम करके दिखा दे, ठीक है ना। क्योंकि देखो आप एक कॉम्पिटिटरों को बीट कर दोगे, सभी को छुट्टी कर दोगे उनकी, तो हिल जाएंगे सारा मार्केट, ही ना। तो अच्छा काम करेंगे और मार्जिन देखिए आपका ऐसा भी नहीं है, आपका किराया भी निकलेगा, हम भी निकाल रहे हैं, किराया भी निकल जाता है, बिजली का बिल भी निकल जाता है, तीन चार इंप्लॉई रखे हुए हैं, उनकी सैलरी भी निकल जाती है। तो लास्ट और मेन क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन आपकी वीडियो पे बहुत ज्यादा आ रखा है, इसमें मेन क्वेश्चन यही है कि आपकी शॉप पड़ती कहाँ है प्रॉपर? देखिए जी, हमारी शॉप पड़ती है हरियाणा में पंचकूला, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी, और मेन रोड ईशानगर पंचकूला में, पिंजोर के पास मेन रोड ईशानगर में हमारी दुकान पड़ती है जी। जी हाँ जी, यही क्वेश्चन लास्ट एक दोबारा, बस फिर कर दो टाटा भाई चली भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके लिए बहुत सारी नॉलेज से भरपूर वीडियो लेके हम आते रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं। पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था और इस बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।